आज हम बनाएंगे राजस्थान की एक पॉपुलर रेसिपी जिसका नाम है खूबा रोटी। और इस खूबा रोटी को आप हरी चटनी के साथ, लहसुन की चटनी के साथ, या फिर आप आलू प्याज पनीर की सब्जी के साथ और दाल के साथ भी सर्व कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आटा लगाएंगे, तो इसके लिए मैंने एक बाउल लिया है। इसमें मैं डाल रहा हूँ ये 1 कप जितना गेहूं का आटा, ग्राम में मापा जाए तो 120 ग्राम है। पहले मैंने छान कर लिया है। साथ में मैं डाल रहा हूँ इसमें अजवाइन 1 चुटकी जितना, इसकी जगह आप जीरा भी डाल सकते हैं। इसी के साथ ही इसमें नमक जाएगा स्वादानुसार, आधा चम्मच से कम। और हम डालेंगे इसमें 1 चम्मच देसी घी। देसी घी डाल दिया, अजवाइन डाल दी, नमक डाल दिया आटे में और मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसमें हम क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और एक टाइट डो हम लगाकर तैयार करेंगे। तो यहाँ मैंने आधा कप जितना ये पानी लिया है, नॉर्मल पानी है, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। और जो नॉर्मल रोटी के लिए हम आटा लगाते हैं उससे थोड़ा सा हम टाइट लगाएंगे। तो ये हमने आटा लगा लिया है, आप देख सकते हैं हल्का टाइट आटा लगाया है। और थोड़ा सा पानी हमारा बच गया है, 2 टेबलस्पून पानी बच गया है। लगभग 100 ml पानी हमारा लगा डो लगाने में। ढककर रख दिया है मैंने पूरे 15 से 20 मिनट के लिए। 20 मिनट पूरे हो चुके हैं। अपना जो आटा है उसे हम चेक कर लेंगे। इसमें हम हल्का सा देसी घी और डालेंगे, और या तो अपने हाथों को चिकना कर लीजिए या फिर अपने आटा को चिकना कर लीजिए। अगर आप घी नहीं डाल रहे हैं तो सूखे आटे से आपको बेलना पड़ेगा। अभी हम इससे एक लोई बना लेंगे, पूरे आटे की एक लोई। और लोई गोल गोल बनाने के बाद इसे हम बेलेंगे। ट्रेडिशनली हाथ से इसे बड़ा किया जाता है और हाथ से ही तैयार की जाती है ये बेलकर। यहाँ हम बेलन से बेलेंगे, जिससे क्या होगा, आसानी से हो जाएगा और जल्दी हो जाएगा। तो ये मैंने गोल और थोड़ा बड़ी बेल ली है अपनी रोटी। और कितनी मोटी है एक बार ये देख लेते हैं। ये देखिए इतनी मोटी है हमारी। मोटी इसलिए रखिए क्योंकि हम इसके अंदर एक डिज़ाइन डालेंगे। और अब चलते हैं अपने तवा की तरफ। गैस ऑन कर दी है, तवा रख दिया है मैंने, तवा मीडियम गर्म हो गया है। उस पर हमने रोटी डाल दी अपनी, और जब वो हल्का सा नीचे सेक जाएगी, ज़्यादा देर तक नहीं सेकेंगे, 10-12 सेकेंड बस, और इसे पलट देंगे। पलटने के बाद अब हम इसमें एक डिज़ाइन डालेंगे अपने अंगूठे और उंगली की मदद से, इस तरीके से दबाएंगे। गैस की स्पीड एकदम लो रखेंगे, लो फ्लेम पर ही हम इसे सेकेंगे, जिससे क्या एकदम क्रिस्पी रोटी बनेगी। ये जो खूबा रोटी है वो क्रिस्पी होती है। और एक सर्कल पूरा करने के बाद आप देख सकते हैं मैं फिर से ऐसे ही डिज़ाइन बना रहा हूँ सेकंड सर्कल में। तो ऐसे ही पूरी रोटी पर हम ऐसे ही डिज़ाइन बना लेंगे। गैस की स्पीड एकदम लो रखना। तो ये हमारी तैयार है, आप देख सकते हैं क्या डिज़ाइन बनी है। और अब क्या करेंगे, इसे नीचे से सेकने देंगे लो या मीडियम फ्लेम पर। लो फ्लेम पर सेकोगे तो ज़्यादा बढ़िया बनेगी, क्रिस्पी बनेगी। तो मैं लो फ्लेम पर ही सेक रहा हूँ। पलट दी है मैंने। पलटने के बाद 2-3 मिनट तक नीचे की तरफ सेकने देंगे। और अब क्या करेंगे, तवा हटा देंगे और गैस पर डायरेक्ट हम इसे सेकेंगे। तो नीचे से और ऊपर से हम गैस पर डायरेक्ट सेकेंगे इस तरीके से। तो पलट पलट कर दोनों साइड हम सेक लेंगे। आप देख सकते हैं पीछे से एकदम बढ़िया सिक गई है। आप चाहें तो कसूरी मेथी भी डाल सकते हैं, जो हमने आटा लगाया था उसमें कसूरी मेथी भी डाली जा सकती है। अगर आपको जीरा अजवाइन पसंद नहीं है तो आप बिल्कुल ही मत डालिए। ये देखिए ये हमारी तैयार है, दोनों तरफ से हमने सेक ली है, गैस बंद कर दी है। और अब लगाएंगे इसके ऊपर हम देसी घी। तो ये रोटी हमारी तैयार है। देसी घी लगाते हैं, ब्रश से लगा रहा हूँ मैं, आप चाहें तो हाथ से लगा सकते हैं अपनी फिंगर से, या फिर चम्मच से भी लगा सकते हैं देसी घी। तो ये तैयार है, इसे आप बनाइए और सर्व कीजिए चटनी के साथ, लहसुन की चटनी के साथ, या फिर हरी चटनी के साथ। इसके अलावा दाल के साथ भी आप उड़द की दाल के साथ खाइए। काफ़ी सारे रेस्टोरेंट में यहाँ पर सर्व की जाती है ये थाली में। तो ये तैयार है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। वीडियो